हिमाचल इन दिनों चर्चा में है। संजौली की मस्जिद का वैध निर्माण जो है, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कैसे एक मारपीट का मामला विधानसभा तक पहुंच गया और कैसे ये मामला इन दिनों चर्चा में है, इस वीडियो को आगे तक देखिए, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल शिमला के माल्याणा क्षेत्र में विक्रम सिंह नामक 37 साल के व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। झगड़े में विक्रम सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं और 14 टांके भी लगे। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों में दो तो नाबालिग थे। विक्रम सिंह की तरफ से दिल्ली थाना में दर्ज की गई रिपोर्ट में ये बताया गया कि वो 30 अगस्त की रात 8:30 बजे अपना लोकमित्र केंद्र बंद करके घर जा रहा था कि वहाँ पर एक लड़का शोर मचा रहा था। विक्रम ने उसे रोका तो वहां पर मोहम्मद गुलनवाज अपने अन्य साथियों के साथ आया और विक्रम को घेर कर मारपीट करने लगा। एक लड़के ने डंडे से सिर पर प्रहार किया। विक्रम ने शिकायत में कहा कि गुलनवाज और उसके साथियों ने जयपाल व राजीव शर्मा नामक लोगों से भी मारपीट की। मामले की जांच ASP रैंक के अधिकारी रतन सिंह नेगी की निगरानी में हो रही है। पुलिस ने इसे स्थानीय दुकानदारों व बाहरी राज्य के समुदाय विशेष के लोगों के बीच आपसी बहसबाजी व लड़ाई का मामला पाया, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उनका आरोप था कि वारदात करने के बाद ये लोग मस्जिद में आकर छिप गए। उसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग की गई। मौके पर आए DC शिमला, SP शिमला व नगर निगम कमिश्नर ने किसी तरीके से गुस्साए लोगों को समझाया और कहा कि शनिवार को मस्जिद से जुड़े हुए केस की सुनवाई कमिश्नर कोर्ट में होगी, तब तक प्रदर्शन न किया जाए। दरअसल मल्याणा क्षेत्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के निर्वाचन क्षेत्र कुसुमपट्टी में आता है। संजौली में जहाँ मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ, वो इलाका शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा के निर्वाचन क्षेत्र का है। अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को सदन में जोर देकर के कहा कि आंदोलन बिल्कुल सही हुआ है और वो इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं लोकल MLA हरीश जनारथा का कहना है कि माल्याणा का झगड़ा लोग संजौली में लेकर आए, जो गलत है। आलम यह था कि बुधवार को इस मामले में नियम 62 के तहत हुई चर्चा में जब कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदन में बोल रहे थे तो विपक्षी दल BJP के सदस्यों ने कई बार मेज थपथपाई। अनिरुद्ध सिंह उस दौरान तीखे लहजे में दिखे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बाहर से आ रहे लोग माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद की बात भी कही और साथ ही दावा किया कि बांग्लादेश से भी लोग आए हैं। शिमला के संजौली उपनगर में 500 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के मस्जिद का घेराव किया और ये सभी लोग कथित तौर पर अवैध निर्माण को तुड़वाने की मांग को लेकर के एकत्रित हुए थे। शिमला के संजौली उपनगर में 500 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के मस्जिद का घेराव कर दिया और ये सभी लोग कथित तौर पर अवैध निर्माण को तुड़वाने की मांग को लेकर के एकत्रित हुए थे। स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।